मामा, ये शुगर पानी में हल नहीं हो रही। बेटा, आपने आइस क्यूब्स अभी नहीं डालने थे, इसकी वजह से शुगर पानी में हल नहीं हो रही। आइस क्यूब्स की वजह से? वो क्यों? क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम हो जाने से शुगर की सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। वो कैसे? मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाती हूँ। एक बीकर में 100 ग्राम्स पानी लें और कमरे के टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड यानी खुरदनी नमक की कुछ मिकदार हल करते हैं, तो ये पानी में हल हो जाता है। अब हम इसमें मजीद नमक डालकर इसको हल करते हैं, तो हम देखते हैं कि मजीद नमक पानी में हल नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कमरे के टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड का सेशुदा सॉल्यूशन तैयार है। अब हम सॉल्यूशन को स्पिरिट लैम्प पर गर्म करते हैं। अब इसमें मजीद नमक मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं, तो हम देखेंगे कि इस गर्म सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मजीद मिकदार हल हो जाती है। किसी सॉल्यूट की वो मिकदार जो खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सेशुदा सॉल्यूशन बनाए, इस टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। कमरे के टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में कॉपर सल्फेट के 24 ग्राम हल हो जाते हैं, जबकि 60 डिग्री सेल्सियस पर सेशुदा सॉल्यूशन बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के 60 ग्राम हल होंगे। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 25 डिग्री पर 24 ग्राम और 60 डिग्री पर 60 ग्राम है। इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि टेम्परेचर में इजाफे से किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी में इजाफा हो जाता है और गैसों की माया सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। हम कई टाइप्स के सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी अशिया का पानी में सॉल्यूशन है। बंद कैन में गैस के बबल्स बाहर नहीं निकल सकते, इससे प्रेशर बनता है। जब हम कैन को खोलते हैं तो गैस तेजी से बाहर निकलती है। हम अपने घरों में सिकंजबीन और चाय इस्तेमाल करते हैं, ये भी सॉल्यूशंस हैं। हवा मुख्तलिफ गैसों का सॉल्यूशन है, हम इस सॉल्यूशन में सांस लेते हैं। कार्बन और आयरन के मिलने से स्टील बनता है, जो मेल्ट होने पर एक सॉल्यूशन बनाता है। दो या दो से ज्यादा धातुओं का मिक्सचर एलॉय कहलाता है। समंदर में नमक और दूसरी मादनियात पानी में हल हो जाती हैं, इसीलिए समुद्री पानी भी एक सॉल्यूशन है। थैंक यू मामा, मुझे सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी का अच्छी तरह पता चल गया है।